बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, या खनाबदु या खनस्ताइन। नेक्स्ट ये भी ये पार्ट इंटीग्रेशन का वेरी इजी शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाएगा, देख ही रहेंगे। जैसा कि आप लिमिट ए टू बी के रूट की फॉर्म में हो और एक्स माइनस कोई कांस्टेंट हो और सेकंड में कांस्टेंट माइनस एक्स, मतलब एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, मतलब जो अपर एंड लोअर लिमिट है, एक्स माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर माइनस लोअर लिमिट हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स हो, तो आपने बी हमेशा ग्रेटर देन ए होना चाहिए। यहाँ जो बी होगा वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए, या मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। लोअर वैसे भी बड़ी होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो हमेशा ग्रेटर होती है लोअर लिमिट से। तो फिर क्या होगा कि एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, मतलब एक्स माइनस लोअर लिमिट फिर अपर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पाई ओवर एट बी माइनस ए होल स्क्वायर के साथ। इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जांपल नंबर वन देखें क्या है, एग्जांपल वन देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीग्रेशन है 2 to 7 और क्वेश्चन है एक्स माइनस टू इंटू 7 माइनस एक्स हो इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आप ज़रा हल करके तो बताएं ज़रा क्या होगी। आपको टाइम लगेगा, कैसे होगी और कैसे इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका साथ में डेरिवेटिव बनाएंगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसको टाइम लगेगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स है कि लिमिट्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो पाई ओवर एट इंटू अपर माइनस लोअर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ओवर एट, 7 माइनस 2 इज फाइव, फाइव स्क्वायर इज 25, 25 पाई कर देना था, चलें 25/8 या 25/8, इसको ऐसे कर लें 25/8 इज़ द राइट, इसको इधर लिख लेते हैं 25/8 इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन आल्सो ट्राई अनदर मेथड, यू कैन सी दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू दैट इज़ क्वेश्चन, अगर लोअर लिमिट अगर नेगेटिव आ जाए, पहले मैंने कहा था दोनों पॉजिटिव हो तो बी माइनस ए कर लें, और अगर लोअर लिमिट आपकी नेगेटिव में आ रही है अपर एक्स प्लस वन, फिर इधर क्वेश्चन में होगा जो इधर वो, फिर क्योंकि एक्स माइनस ए होता है ना क्वेश्चन में, मैंने बताया एक्स माइनस ए होता है, अगर लोअर लिमिट ही आपकी माइनस में है तो फिर इधर वो प्लस आएगा एक्स प्लस वन, तो क्वेश्चन 3 3 माइनस एक्स होगा। मतलब आप लिमिट दे दी जाए तो आप क्वेश्चन भी इंटरेक्ट देख सकते हैं कैसे बन रहा है, मतलब लोअर लिमिट अगर नेगेटिव में है तो इधर एक्स प्लस वन आएगा, अगर दोनों लिमिट्स आपके पॉजिटिव में है तो देखें इधर एक्स माइनस टू था, तो फिर इस माइनस को ये प्लस कर देगा ना, लोअर लिमिट इसको प्लस कर देगा एक्स प्लस वन एंड 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका फिर नेक्स्ट, अब इसको वही फार्मूला लगाना, लोअर माइनस अपर पाई ओवर एट इंटू, फिर ये 3 प्लस 1 होगा, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर पाई ओवर एट इंटू 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 तो 2, तो इज इक्वल टू 2 पाई, सिंपली आंसर इज 2 पाई। मतलब ये सारा देखें 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 ए 2 16, 2 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन आल्सो ट्राई अनदर मेथड, यू कैन सी दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर एक और क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन देखें, अगर मेरे पास क्वेश्चन है इसमें भी अगर लोअर लिमिट नेगेटिव है माइनस 3 to 4 एक्स प्लस थ्री इंटू 4 माइनस एक्स डी एक्स, इसका क्या बनेगा पाई ओवर एट 4 प्लस 3 होल स्क्वायर पाई ओवर एट, 4 प्लस 3 सेवन, 7 स्क्वायर इज 49, 49 तो लिख देंगे 49 पाई ओवर एट इज़ द राइट आंसर। तो मतलब अगर ये लिमिट अगर नेगेटिव में आ रही है लोअर लिमिट, तो इधर 4 प्लस 3 करेंगे, अगर लोअर लिमिट आपकी पॉजिटिव में आ रही है तो फिर इधर बी माइनस ए करेंगे, मतलब बी अपर माइनस लोअर ही करना होता है, लोअर लिमिट ऑलरेडी नेगेटिव है तो इधर प्लस आ जाता है, इधर प्लस आ जाता है, लोअर लिमिट नेगेटिव है तो इधर प्लस, अगर अपर और लोअर दोनों पॉजिटिव है तो अपर माइनस लोअर कर देंगे। आपको मेथड तो मतलब एक ही है, छोटा सा ये फार्मूला है और छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, आप देख सकते हैं बहुत काम आने वाला है इसके साथ। अगर एक और भी कर लिया जाए लेकिन वो चलिए नेक्स्ट में से ही, अब तक के लिए इतना ही।
की वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब लाजमी किया करें अगर अच्छा लगे, और नेक्स्ट इस तरह की वीडियोज और भी चाहते हैं तो हौसला अफजाई के लिए थोड़ा सा लाइक एंड शेयर एंड अच्छा कमेंट तो बनता ही है ना। की वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।